हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल अच्छे से विजिट करिए। आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे जो काफी इन्फॉर्मेटिव है और डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स बेटर वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये वीडियोस देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रही है तो रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो जैसा कि आपने कैप्शन देखा, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल की न्यू टोयोटा ग्लांजा में और सुजुकी बलिनो में जो 2022 के मॉडल्स में आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो स्विच आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का स्विच है। इसको ESP भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम। अब ये क्या करता है ये बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं ये कौन से मॉडल में आता है। तो अगर हम लोग ई वेरिएंट, जो बेसिक वेरिएंट है ग्लांजा का, और सिग्मा वेरिएंट जो बेसिक वेरिएंट है बलिनो का, ये दो मॉडल अगर छोड़ देते तो ये सभी वेरिएंट्स में आता है। दूसरी चीज, जो एस और जी वेरिएंट है उसके सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में आएगा, मैनुअल वेरिएंट एस और जी में नहीं आएगा। बट अगर मैं बात करूं वी वेरिएंट जो ग्लांजा का है, उसके टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक में भी आ जाएगा और मैनुअल में भी आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब इसका काम क्या है, फंक्शन कैसे ये करता है। सो बेसिकली ये हमेशा चालू रहता है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा चालू रहता है, लेकिन अगर आप ये स्विच पे देखेंगे तो स्विच पे लिखा हुआ है ऑफ। ये व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ करने का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कौन से सिनेरियो में ऑफ करना और कैसे ऑफ करना ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एक सेफ्टी फीचर है जो व्हीकल को अगर आप हाई स्पीड में टर्न लेते हैं तो साइड वेज में स्किड होने से बचाता है, साइड वेज से स्किड होने देता नहीं है। अब ये कैसे जज करता है गाड़ी के व्हीकल साइड वेज स्किड हो रहा है, तो वो ऐसा है कि अगर ड्राइवर ने एक इनपुट दिया स्टीयरिंग का, वो इनपुट एंगल में गाड़ी घूम रहा अगर नहीं है, यानी कि स्टीयरिंग और गाड़ी के मूवमेंट में मिसमैच है, हो सकता है उसकी स्पीड के हिसाब से या हो सकता है स्लिपरी सरफेस के हिसाब से। तो अगर ये सिनेरियो में स्टीयरिंग इनपुट ड्राइवर का और गाड़ी का मूवमेंट मैच नहीं हो रहा है तो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एक्शन में आता है। अब वो एक्शन में आने के बाद क्या करता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो सबसे पहले इंजन का पावर आउटपुट को कम करता है। अब जब वो इंजन के पावर आउटपुट को कम करता है गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा स्लो हो गई। सिमिलरली जो भी व्हील स्किड हो रहे हैं साइड वेज में, उन व्हील में अप्रोप्रिएटली जो भी व्हील में जरूरत है उन व्हील को ये ब्रेक पावर जो है ब्रेक अप्लाई करके व्हीकल को जो है वो कंट्रोल में लाता है। पहले तो इंजन को स्लो कर दिया, दूसरा कुछ व्हील्स में जो स्किड हो रही थी उसमें ब्रेक अप्लाई करके जो व्हील को जितना जरूरत था उतना ब्रेक फोर्स अप्लाई करके व्हीकल को जो एकदम से कंट्रोल कर लिया और साइड वेज में स्किड होने नहीं दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके लिए इसको हमेशा ऑन ही रखना चाहिए, जो ऑन ही रहता है। बट अब सवाल ये है कि अगर ये इतना अच्छा फीचर है तो इसे ऑफ करने का स्विच क्यों दिया? तो इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं कि ऑफ करने का स्विच क्यों आता है। तो अगर मैं बात करूं, व्हीकल आप कहीं स्लिपरी सरफेस में या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, अब अगर ऑफ रोड में व्हीकल के सेंसर ने ये सेंस कर लिया कि स्टीयरिंग एंगल और व्हीकल का मूवमेंट मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा वो? इमीडिएटली सिस्टम को एक्शन में लाके ब्रेक फोर्स भी अप्लाई करेगा और इंजन को भी स्लो करेगा, जैसा हम लोगों ने अभी बात कर चुके। तो अगर आप एक मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप कीचड़ वगैरह में ऑफ रोड कर रहे हो या कहीं पे स्लिपरी सरफेस आपको मिल गया, वहां पे अगर गाड़ी में ब्रेक लग रहा है और इंजन पावर कम हो रहा है तो ऑलरेडी वो फंसे हुए टेरेन में आप और फंस जाओगे। तो ऐसा ब्रेक फोर्स लगना नहीं चाहिए। इस सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा गाड़ी का पावर चाहिए, तो इंजन का पावर भी आपको वो टाइम पे चाहिए और गाड़ी में ब्रेक भी, मतलब जो एडिशनल लग रहा है अपने आप से लग रहा है ऑटोमेटिकली, वो आपको नहीं चाहिए। तो इस वजह से सिर्फ अगर स्लिपरी और ऑफ रोड सिचुएशन में आप गाड़ी चला रहे हो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट है तो VSC व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, या आप बात करते काफी लोग ESP बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इसे ऑफ करने का स्विच गाड़ियों में आता है। तो अब इसे ऑफ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो स्विच है इसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जब आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे अराउंड 3 सेकंड्स तक, तो आप देख सकते हो जो आइकन था वो येलो कलर की लाइट में आपके स्पीडोमीटर के बगल में आ गया, जो बोल रहा है ट्रैक्शन व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ। तो अब ये व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ हो गया। जैसे ही वो डिफिकल्ट टेरेन आप क्लियर कर लोगे, इसे आप वापस से इस तरीके से एक बार प्रेस कर दोगे और आप देखोगे कि वो जो लाइट थी ऑफ की चली गई, यानी कि अब व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो ऑन हो गया। तो एक बार फिर से क्लियर कर दूं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल हमेशा ऑन रहता है। ये जो स्विच हमको यहाँ पे दिया हुआ है वो स्विच जो है ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। क्यों ऑफ करना है, कब करना है, ये मैंने वीडियो में बता दिया। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसमें अगर कुछ भी डाउट क्वेरी है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच।